हमारा प्रश्न है, प्लासी के युद्ध को एक निर्णायक युद्ध क्यों माना जाता है? प्लासी का युद्ध को एक निर्णायक युद्ध क्यों माना जाता है? आइए इसका आंसर देखते हैं। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ। राजनीतिक तथा आर्थिक दृष्टि से प्लासी के युद्ध का विशेष महत्व है, जो इस प्रकार है। हमें याद रखना है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ, तो 23 जून 1757 ईस्वी को, और किनके बीच, तो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ। अब इस युद्ध का विशेष महत्व अंग्रेजों के लिए क्या था, तो आइए इसको बारी बारी से देखते हैं। पहला नंबर, बंगाल में अंग्रेजों की प्रभु सत्ता का सूत्रपात हुआ, जहां से उन्होंने संपूर्ण भारत पर अधिकार किया। इससे उनकी प्रतिष्ठा एवं शक्ति दोनों में वृद्धि हुई। यानी जब 1757 ईस्वी के प्लासी का युद्ध अंग्रेजों ने जीत लिया, तब वहीं से उनको बंगाल में शासन करने का अधिकार प्राप्त हुआ और धीरे धीरे उन्होंने संपूर्ण भारत में अधिकार कर लिया, जिससे अंग्रेजों की प्रतिष्ठा एवं शक्ति दोनों में ज्यादा वृद्धि हुई। दूसरा महत्व देखते हैं। अंग्रेज बंगाल के वास्तविक शासक बन गए और बंगाल का नवाब उनकी कठपुतली मात्र बनकर रह गया। यानी प्लासी के युद्ध जीतने के बाद अंग्रेज लोग अब बंगाल पर शासन करने लगे, यानी बंगाल के वास्तविक शासक हो गए, और जो बंगाल के नवाब थे वे उनकी हाथों की कठपुतली थे। यानी जब चाहे तब वे बंगाल के नवाब को नचा सकते थे, उनको बदल सकते थे। तीसरा महत्व है, इस प्रदेश के सभी साधनों पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हो गया। यानी बंगाल के अधीन जितने भी साधन थे, उन सभी साधनों पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया। इससे उनकी शक्ति में बहुत वृद्धि हुई, जिसके परिणाम स्वरूप वे अपने फ्रांसीसी प्रतिद्वंदियों को कर्नाटक के तृतीय युद्ध में पराजित करने में सफल हुए। जब यह युद्ध जीत लिया गया, तब उनकी शक्ति में ज्यादा वृद्धि हुआ। बंगाल के संसाधनों का ज्यादा से ज्यादा दोहन करके वे लोग बहुत ही शक्तिशाली बन गए, और इस शक्ति का उपयोग उन्होंने फ्रांसीसियों को हराने में किया। यानी कर्नाटक के तृतीय युद्ध में उनकी शक्ति को देखने को मिला। चौथा है, इस पर उन्हें 24 परगना के भूभाग मिल गए। यानी 24 परगना यह बंगाल का एक जिला का नाम है। इससे पहले वे इस जिले पर अधिकार नहीं कर सके थे, और जब वे लोग प्लासी का युद्ध जीत लिए, तब उनको यह भूभाग मिल गया। उपरोक्त कारणों से प्लासी के युद्ध को एक निर्णायक युद्ध माना जाता है, और इन्हीं चार कारणों को प्लासी के युद्ध को निर्णायक युद्ध की संज्ञा दिया जाता है, या एक निर्णायक युद्ध कहा जाता है। तो उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद।